Good morning, all of you. आज हम इलेवेंथ केमिस्ट्री, इलेवेंथ क्लास की जो केमिस्ट्री है और उसमें चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बाद। तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होता है इसका? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। और ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या क्या है, प्रिपरेशन कैसे कैसे किया जाता है? एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, किसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक लाइम में से जब हम CO2 पास करते हैं तब उससे आपका क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। या हम कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं तब आप बना सकते हैं CaCO3 प्लस 2 NaCl। तो कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम क्या बोल देते हैं, लाइमस्टोन भी बोल देते हैं। और कैल्शियम फार्मूला CaCO3 प्रिपेयर कैसे करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब CO2 गैस पास करते हैं तब क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है, ये सॉलिड बन जाएगा, वाटर है। या फिर हम आपका कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं उससे बना सकते हैं। ये तो थी इसकी प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आपका फर्स्ट क्या है, आपकी कैल्शियम कार्बोनेट इज ए फर्स्ट क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट इज ए वाइट फुल फी पाउडर। आपका क्या होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है व्हाइट फल्फी, मतलब जिसके अंदर थोड़ी एयर जैसे एंट्रैक्ट होती है तो वो क्या कहलाता है, व्हाइट फल्फी पाउडर होता है। सेकंड क्या होता है, इट इज ऑलमोस्ट इनसोल्युबल इन वाटर। ये आपका वाटर के अंदर क्या होता है, इनसोल्युबल होता है। थर्ड, इट डिकम्पोजिज एट 1200 केल्विन, 1200 केल्विन पर जब इसको हम हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो ये किस में चेंज हो जाता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवाते हैं या आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं तब आपकी क्या होती है, CO2 गैस लिबरेट होती है। तब आपकी कौन सी गैस लिबरेट होती है, CO2 प्रोडक्ट कौन क्या बना लेगा, CaCl2। CaSO4 plus H2O plus CO2। तो ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ होती है तो क्या गैस, कौन सी गैस निकलती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो थी इसकी आपकी प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके यूजेज।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे योजिस। योजिस किस किस में यूज किया जाता है? फर्स्ट तो ये फर्स्ट क्या है, इट इज यूज्ड एज बिल्डिंग मेटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, इन द फॉर्म ऑफ मार्बल, इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्यूब लाइम, एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम। ये आपका बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, किस में? इन द फॉर्म ऑफ जो मार्बल पत्थर होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम को भी बनाने में किसका यूज होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है आपका जो स्पेशली प्रिसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर। जो आपका स्पेशल तरीके से प्रिसिपिटेट किया गया कैल्शियम कार्बोनेट, वो सबसे ज्यादा किस में यूज किया जाता है? हाई क्वालिटी पेपर, जो बहुत ही जैसे डायरी के पेज होते हैं, जो बढ़िया क्वालिटी के पेपर्स होते हैं, उसको बनाने में किसका यूज होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है। फिर इट इज आल्सो यूज्ड एज एंड एसिड, ये एंड एसिड के रूप में भी यूज किया जाता है। एक कंस्टिट्यूएंट इन टूथपेस्ट में होता है, एंड ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ च्युइंग गम, और ये आपका देखो फर्स्ट तो क्या था, बिल्डिंग मटेरियल में इन द फॉर्म ऑफ मार्बल, और आपका क्विक लाइम को बनाने में स्पेसिफिकेटेड कैल्शियम कार्बोनेट किस में यूज होता था? आपका मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर को बनाने में। फिर इट इज आल्सो यूज्ड एज एंट एसिड, ये एंट एसिड के यूज में भी और इन टूथपेस्ट में भी यूज किया जाता है। एक कंस्टिट्यूएंट ऑफ च्युइंग गम, और जो च्युइंग गम होता है उसका भी ये मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, एंड ए फिलर इन कॉस्मेटिक्स, और जितनी भी जो आपकी कॉस्मेटिक्स में एज ए फिलर मतलब उनको फिलअप करने में भी आपका क्या यूज किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। तो ये थे आपके यूजेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में। सीमेंट, तो सीमेंट क्या होता है? इट इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। सीमेंट क्या होता है? इट इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। जो आपका सीमेंट होता है ये क्या होता है? आपका इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल होता है। अब जो आपकी जनरली जो सीमेंट यूज की जाती है, देखो वो तो सीमेंट की हर एक की अलग अलग कंपोजिशन होती है, लेकिन जो एवरेज कंपोजिशन होती है पोर्टलैंड सीमेंट की, वो देखो द एवरेज कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज
जो एवरेज कंपोजिशन क्या क्या होती है इसकी, एवरेज से मैंने इसकी, इसके अंदर आपका कैल्शियम ऑक्साइड तो होता है 50 से 60% होते हैं, SiO2 होता है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है ये आपका होता है 20 से 25% होता है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये आपका होता है 5 से 10% होता है, आयरन का जो ऑक्साइड है ये आपका होता है 1 से 2% होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है ये होता है आपका 2 से 3% होता है, SO3 है ये आपका 1 से 2% होता है। देखो ये आपकी एवरेज कंपोजिशन है सीमेंट की, पोर्टलैंड की, कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60% होगा आपका, और जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 है ये 5 से 10, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3% होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 20 से 25%, आयरन ऑक्साइड 1 से 2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये आपकी 1 से 2% होगी। ये है आपकी एवरेज कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसको हम बढ़ाते कैसे हैं वो देखो, मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं इसको, जो रॉ मेटेरियल होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर लाइमस्टोन एंड क्ले, द रॉ मेटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर लाइमस्टोन एंड क्ले, वो क्या होती है आपकी लाइमस्टोन होता है एंड क्ले होती है। अब क्या होता है व्हेन क्ले एंड लाइम आर हीटेड स्ट्रॉन्गली हीटेड, व्हेन क्ले एंड When clay and lime are strongly heated together, then they fuse. Then they fuse and react to form cement clinker, और ये आपस में क्या करते हैं फ्यूज होकर और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं सीमेंट क्लिंकर बनाते हैं, और दिस क्लिंकर इज मिक्स्ड विद, ये जो आपका क्लिंकर है ये मिक्स किसके साथ किया जाता है 2 से 3% बाय वेट ऑफ जिप्सम, इज मिक्स्ड विद 2 से 3% ऑफ बाय 2 से 3% मिक्स विद 2 से 3% ये आपका क्या किया जाता है मिक्स विद 2 से 3% बाय वेट ऑफ जिप्सम by weight of gypsum to form cement, और क्या बना लेता है आपका सीमेंट। देखो रॉ मेटेरियल होता है जो सीमेंट के लिए, वो क्या होता है लाइम स्टोन एंड क्ले, और लाइम और जब क्ले को स्ट्रॉन्गली हिट करते हैं तो वे दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं सीमेंट क्लिंकर बनाते हैं, कौन कौन लाइम और क्ले आपस में दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं सीमेंट क्लिंकर, और जब इस क्लिंकर को 2 से 3% बाय वेट ऑफ जिप्सम के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या बनाता है आपका सीमेंट बनाता है। इसके बाद आते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट,
नेक्स्ट आता है आपका सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट में आपका क्या आता है, व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, व्हेन मिक्स्ड, व्हेन मिक्स्ड विद वाटर देन सेटिंग ऑफ सीमेंट, then setting of cement takes place, then setting of cement takes place to give a, to give a hard mass, to give a hard mass, this is due to the, ये किस वजह से होता है, this is due to the हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ, हाइड्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स एंड रीअरेंजमेंट, एंड रीअरेंजमेंट। देखो ये जब आपका मिक्स किया जाता है किसके साथ, वाटर के साथ, तब आपका क्या होती है, सेटिंग ऑफ सीमेंट होती है। और ये क्या होती है, टेस्ट लेस, जब आपकी सीमेंट को वाटर के साथ, तब वो आपकी सीमेंट होती है और ये हार्ड मास मिक्सिंग हो जाता है। हार्ड मास में क्यों होता है, हाइड्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंसिस्टेंट, वो जो वाटर है उनकी मॉलिक्यूल्स, जो सीमेंट की मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर एंटर हो जाता है, और फिर उनका रीअरेंजमेंट होने से ये बिल्कुल आपका क्या हो जाता है, हार्ड मास में चेंज हो जाता है। फिर इसके आते हैं यूजेज, यूजेज किस किस में यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन कॉन्क्रीट, इट इज यूज्ड इन कॉन्क्रीट में यूज किया जाता है, कोमा इन प्लास्टरिंग, प्लास्टर में भी यूज किया जाता है, इन प्लास्टरिंग बोन्स को नहीं, ये प्लास्टर, वैसे प्लास्टर करने में, जैसे जो दीवारों के ऊपर जो प्लास्टर होते हैं वो प्लास्टर करने में यूज किया जाता है, एंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, एंड इन द, एंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को बनाने में, फोमा डैम्स बंधों को बनाने में, बिल्डिंग्स डैम्स एंड ब्रिजेज, एंड ब्रिजेज पुलों को बनाने में, ये किस किस में यूज किया जाता है, एक तो कॉन्क्रीट के रूप में जो कच्चा माल है किसी भी बिल्डिंग को बनाने में, कॉन्क्रीट प्लास्टिंग में, और इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स डैम्स और ब्रिज, इन इनको बनाने में इसका सीमेंट का यूज किया जाता है। इसके बाद लास्ट हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस क्या क्या है किसकी, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। तो फर्स्ट क्या है, द मेन, देखो बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस क्या क्या है इसकी, देखो आप देख लिख सकते हो, फर्स्ट तो क्या है, द मेन पिगमेंट फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स इज क्लोरोफिल विच कंटेन्स मैग्नीशियम, जो मेन पिगमेंट होता है प्लांट्स के में जो लाइट को अब्सॉर्ब करता है,
लाइट का जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल, वो उसका जो वो किसका बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है। दूसरा, अबाउट 99% ऑफ द बॉडी कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। जो हमारी बॉडी के अंदर जो 99% होता है कैल्शियम, वो किसके अंदर पाया जाता है, बोन्स और टीथ में पाया जाता है। फिर जो आपका कैल्शियम है इसका जो मेन फंक्शन क्या है, किसमें यूज किया जाता है, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके बहुत और अदर भी रोल है, जैसे मैग्नीशियम है इसका प्लाज्मा ट्रांसफर में भी यूज किया जाता है। बॉडी के अंदर भी एक एडिक्वेट अमाउंट में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों प्रेजेंट होने चाहिए टू मेंटेन ग्रोथ एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये था आपका बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेज। फिर हमने पढ़े सीमेंट, सीमेंट के बारे में, इसकी एवरेज कंपोजिशन, इसको कैसे बनाते हैं रॉ मटेरियल से, और इसकी सेटिंग ऑफ सीमेंट और यूजेज। फिर हमने लास्ट में पढ़े हैं बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, कि आपकी मैग्नीशियम और कैल्शियम की क्या क्या बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस है आवर डेली लाइफ में, बॉडी के अंदर, प्लांट्स में। तो इट इज ऑल अबाउट एस ब्रोक एलिमेंट्स। ये आपका एस ब्रोक एलिमेंट्स कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट पी ब्रोक एलिमेंट्स। ओके, थैंक यू।